लास्ट क्लास में बाजीराव आधा हो गया था, ठीक है, कहां तक हो गया था? बैटल ऑफ पालखेड़, पालखेड़ा तक। उसके आगे कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू करिए उसके आगे। देखिए, इन द सेम ईयर, सेम ईयर मतलब 1728 ही है, इन द सेम ईयर बाजीराव ट्राई टू कंट्रोल मालवा। मालवा मतलब मॉडर्न टाइम जो एमपी है ना, उसी को मालवा कहते थे। यहां कहीं मालवा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ही डिफीटेड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ही डिफीटेड मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर, गिरधर बहादुर, गिरधर बहादुर, मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर। अगला पॉइंट, आफ्टर मालवा ही वेंट ऑन टू कॉन्कर गुजरात, आफ्टर मालवा ही वेंट ऑन टू कॉन्कर गुजरात। गुजरात 1728 20 में तो बना ही है ना पेशवा, 1728। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए यहां पे, जब ये यहां पे बिजी था मालवा में और गुजरात में, उसी टाइम पीरियड में बुंदेलखंड रीजन में जो वहां का कौन किंग था, रूलर था, छत्रसाल। मैं औरंगजेब जब बता रहा था, मैंने बात बताई थी ना कि छत्रसाल ने रिवॉल्ट कर दिया था बुंदेलखंड में एक ऑटोनोमस किंगडम को स्टैब्लिश करने के लिए। उसी टाइम में बुंदेलखंड रीजन का एक गवर्नर था अहमद खां बंगश, वो छत्रसाल को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से अहमद खां बंगश मतलब छत्रसाल ने बाजीराव से हेल्प मांगी, बट चूंकि वो यहां बिजी था तो वो शुरुआत में हेल्प नहीं दे पाया। ठीक है, तो एक लेटर है, फिल्मेटिक थोड़ा एक लेटर है, कि एक लेटर लिख के भेजता है इसको बाजीराव को, कि मेरी जो मेरा जो हालत है इस समय, एक वैसे हाथी की तरह हो चुका है जो मगरमच्छ के कब्जे में आ गया। मगरमच्छ कौन है? अहमद का बंगश। जब उसको लेटर मिलता है, जब यहां से फ्री होता है तो उसको लेटर मिलता है बाजीराव को। उस लेटर मिलने के बाद फिर ये सपोर्ट करता है छत्रसाल को और फिर डिफीट करता है अहमद खां बंगश को बुंदेलखंड रीजन में। और इसी डिफीट के बाद ही आपको आगे की स्टोरी पता है, छत्रसाल माना जाता है उसकी बेटी मस्तानी थी जिसको वो शादी के लिए भेजता है, प्रेजेंट करता है बाजीराव को कि भैया ये मेरा प्रेजेंट है जो आपने मुझे हेल्प किया, और आगे की स्टोरी वो जैसे तोड़ मरोड़ के भंसाली ने समझा दिए। तो बाकी स्टोरी बस यही थी इन दोनों के। कहा बात, अगला पॉइंट बुंदेलखंड। बाजीराव हेल्प द रूलर ऑफ बुंदेलखंड छत्रसाल, द रूलर ऑफ बुंदेलखंड छत्रसाल टू डिफीट अहमद खां बंगश। Who was a Mughal commander? Who was a Mughal commander? और बाकी मस्तानी वाला अपने आप ऐड कर ले, पूछेगा नहीं कभी, लेकिन उसके बाद यही है।
जी, घटना सत्य है कि नहीं? घटना तो सत्य है। अब वो मस्तानी कौन थे इसके बारे में थोड़ा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि वो छत्रसाल और उसकी जो शिया वाइफ थी रुबिया बेगम, उसकी बेटी थी। कुछ लोग उसको डांसर ही कहते हैं। अब वो क्या है वो सच्चाई जाने, लेकिन है मस्तानी की स्टोरी सही है। हाँ, वो ड्रामेटिक तरीके से दिखाया उसने, वो बात अलग है। ठीक है, अगला पॉइंट समका किस ईयर में? 1729 में। अगला पॉइंट आ जाइए। इन 1731 अ ट्रीटी ऑफ वर्ना, ट्रीटी ऑफ वर्ना वॉज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पेशवा एंड शिवाजी सेकेंड ऑफ कोल्हापुर। अभी मैंने बताया ना, मराठा के दो सेंटर हो चुके थे, एक था आपका सतारा में और एक था कोल्हापुर में। 1731 में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसको एक एंड कंक्लूजन मिला कि इस समय ट्रीटी हो गई। लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ वर्ना वॉज एस्टैब्लिश बिटवीन पेशवा एंड शिवाजी सेकेंड ऑफ कोल्हापुर। और इस टाइम पीरियड के बाद जो सेकंड, जो शिवाजी सेकंड था, वो एक सबॉर्डिनेट रूलर की तरह कोल्हापुर में रूल करने लगा। बट मेन अब कौन, छत्रपति कौन हो गया? शाहू जी जो काम हो रहा है सब शाहू जी के अंडर हो रहा है अभी तक, टिल द ट्रीटी ऑफ संगोला 1750 की। जो ये सब पेशवा है वो शाहू जी का एक प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम, इतना मान लीजिए बस। बट वो एक कह लीजिए फिगर हेड है, जैसे अपना राष्ट्रपति होता है, काम सब पेशवा ही कर रहा है, एक्चुअल पावर पेशवा के पास ही है। ठीक, अगला। इन 1733 पेशवा डिफीटेड सिद्दी, लिख लीजिए पहले सिद्दी, एंड फ्रीड जंजीरा फोर्ट फ्रॉम देम, जंजीरा फोर्ट। ये आज भी फोर्ट, एक आइलैंड फोर्ट है ये वेस्टर्न कोस्ट पे। सिद्दी कौन थे? बेसिकली एक रेस थे जो साउथ ईस्ट अफ्रीका से आए थे, बट यहां पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट ट्रेड यहां पर वो क्या हो गए थे, एस्टैब्लिश हो चुके थे। इन लोगों को हराया और जो जंजीरा फोर्ट था उसको फ्री किया 1733। ठीक है, अगला पॉइंट। अब भैया इस समय तक जो ये मुगल्स थे, लगभग भारत के नीचे तक राजपुताना में क्या था, डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है। ठीक है, बट राजपुताना के साथ ट्रीटी कर ली गई थी कि राजपुताना भी उन्हें चौथ देते थे, और यही रीजन मना कि 1761 के बैटल ऑफ पानीपत में राजपूतों ने मराठाओं की हेल्प नहीं की थी, क्योंकि भैया वही रंगदारी, चौथ तो तुमसे वसूल रहे, छोड़ो किसी को नहीं रहे। ठीक है, अगला ईयर क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है 1737। अब इस ईयर में क्या हुआ, धीरे धीरे मालवा, गुजरात, राजपुताना पर मराठों का कंट्रोल हो चुका था। इन लोग को डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्कर किया राजपूतों के साथ अलायंसेस बना के, कि भाई अलायंस बना ले, तुम पे हम अटैक नहीं करेंगे, बट चौथ हमें देते रहना। अब उस समय था मुगलों को अपनी ताकत दिखाने का। 1737 में बाजीराव माना जाता अपनी 50,000 आर्मी के साथ अटैक करता है दिल्ली के ऊपर और रंगीला छोड़ के भाग जाता है। वो बार बार भागा है, इस बार ही भागा है, बाद में नादिर शाह आया तभी भागा वो, बाद में जो अहमद शाह अब्दाली का 1748 में अटैक होता है तो खुद नहीं जाता, अपने राजकुमार को भेजता है, जो मैंने बताया था। तो ये फिर से भागता है 1737 में। अगला लिख लीजिए, बैटल ऑफ दिल्ली 1737, बैटल ऑफ दिल्ली
बाजीराव फर्स्ट विद हिज 50,000 ट्रूप्स, विद हिज 50,000 ट्रूप्स अटैक दिल्ली, अब इसकी बड़ी एक स्टोरी, बड़ी एक ड्रामेटिक टाइप की. होता क्या है, बाजीराव एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर था, बट छोटे छोटे सूबेदार भी, मतलब जमींदार भी उसके अंडर थे, जिसे हम मराठा कमांडर्स कहते थे. सर देशमुखी जो है ना, यही कमांडर्स बाद में इंडिपेंडेंट किंगडम भी बना लेते हैं, जैसे ग्वालियर की होलकर, सिंधिया, ये होलकर, ये सब क्या थे, पहले मराठा देशमुख थे. बाद में जब ये आफ्टर सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जब मराठा कॉन्फेडरेसी कमजोर होती है, तो अलग अलग ऑटोनोमस किंगडम एस्टेब्लिश कर लेते हैं ये लोग उस समय. लेकिन ये सब पेशवा के साथ ही अटैक कर रहे थे दिल्ली के ऊपर. होता क्या, एक छोटी सी आर्मी अवध पर अटैक करती है, दिल्ली से जाने से पहले अवध पर अटैक करती है, तो उस छोटी सी आर्मी को शादत खान हरा देता है. अब भैया मैंने उस समय बताया था ना, उस समय तो मराठा जो मुगल बादशाह था, उसके गुड बुक्स में अपना नाम लिखवाने सबको लगा था, मैं ज्यादा खास, मैं ज्यादा ताकतवर. जो बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह का हुआ था, मैंने बताया था ना कि कहा था भैया अटैक करो, तुम गलती कर रहे हो, दिल्ली पर अटैक करो, शादत खान ही तो कहा था ना. तो शादत खान उस छोटी सी आर्मी को हरा देता है. अब शादत खान क्या कहता है, मुगल बादशाह को फरमान भेजता है, मतलब इंफॉर्मेशन भेजता है कि टेंशन ना लीजिए, मैंने आर्मी हरा दी है. लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वो एक मात्र छोटी सी आर्मी थी, मेन आर्मी दिल्ली पहुंच चुकी थी, किसी को पता ही नहीं चला. मराठा हिस्ट्री में एक एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम माउंट गोमरी था, जो ब्रिटिश कमांडर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, उसने इस इन्वेजन की बहुत बड़ाई की है. किस प्रकार से लाइट कैवलरी की मदद से ऐसा तेज अटैक हम कर सकते हैं, जिसको ब्लिट्स क्रिक भी कहा गया है हिटलर के शब्दों में. हिटलर जब करता है ना, उसको ब्लिट्स क्रिक अटैक कहता है, कि ऐसा अटैक जो इतनी तेज होता है कि सामने वाला संभल भी ना पाए, सेकंड वर्ल्ड वॉर का है. तो माउंट गोमरी कहता है, इस बैटल के बारे में माउंट गोमरी ने मेंशन किया, कितना तेज अटैक था कि मुगल बादशाह और उसके जितने भी सेपे सलार थे, उनको पता ही नहीं चला कि मगेव दिल्ली आके बैठ गया. और वो दिल्ली पर अटैक करने के लिए, दिल्ली को जीतने के लिए नहीं गया था, केवल दिखाने के लिए अपनी ताकत गया था, कि अब मेन पावर आपके पास नहीं है, मेन पावर अब मेरे पास है. इसीलिए बादशाह वही रहा, और दिल्ली पर अटैक करके 3 दिन बाद वो वापस लौटता है. लेकिन फिर से वही बात, शादत खान तो कुछ नहीं कर पाए. अब भेजा जाता फरमान किसके पास, निजामुल मुल्क के पास, कि भैया शादत खान तो कुछ नहीं कर पा, तुम ही कुछ कर लो. तो निजामुल मुल्क डेक्कन से चलता है रास्ते में बाजीराव फर्स्ट को हराने के लिए, और दोनों की मुठभेड़ कहां होती है, यही कहीं भोपाल में, जिसको हम बैटल ऑफ भोपाल कहते हैं 1737, जिसमें बाजीराव फर्स्ट पहले दिल्ली को हराता है, और लौटते टाइम निजामुल मुल्क की भी आर्मी को हराता है. मतलब जितने भी प्यादे थे रंगीला के, सब इसी वॉर में खत्म. शादत खान जो अवध का नवाब बन बैठा था, उसको भी वो भी हारा. निजामुल मुल्क जो समय डेक्कन का किंगडम बन बैठा था, वो भी हारा. ठीक है, तो 1737 तक जो मराठे थे, वही अब भारत के एक्चुअल एम्परर हो चुके थे. हाँ, नाम के लिए बस मुगल तभी भी थे. ठीक है, तो ये दो बैटल इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ दिल्ली और बैटल ऑफ भोपाल 1737 दोनों. और अगला है 1739 ईयर, बाजीराव फर्स्ट, लिख लीजिए, बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड पोर्चुगीज एंड कॉन्कर्ड वसई एंड सालसेट, वसई एंड सालसेट. तो सालसेट एंड वसई, अब आप देख लीजिए उस समय की कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जो बाजीराव के सामने टिकी. उसने जहां गया सबको हराया. और आज भी यूरोपियन हिस्ट्री में भी, जब जो कि ब्रिटिशर्स यहां आए थे ना, तो उनको हिस्ट्री लिखने की आदत थी, जो कि जितने भी कॉलोनीज थी सबकी हिस्ट्री लिखते थे, उनकी नजर में बहुत कम ऐसे हुए हैं रूलर्स कह लीजिए, या कमांडर्स, जो किसी भी बैटल में नहीं हारे.
और उसने उन्होंने तीन लोगों का नाम लिया है कि जो किसी बैटल में नहीं हारे, जिसमें एक नाम जो है इसका है, ये किसी बैटल में नहीं हारा। वो तो मैंने कहा ना, अब्दाली ने, सॉरी भंसाली ने उसको दिखा दिया ऐसा, वो ऐसा नहीं है कि वो मस्तानी चक्कर में पड़ के राजपाट खोल जाना, ठीक है, तो वो ऐसा था, किसी भी वॉर में नहीं हारा। तो इसीलिए कहीं एक स्टेटमेंट भी मिलता है, वो चलता फिरता भूत था। भूत किस सेंस में, कि किसी ने उसको देखा है, जो उसने उसको देखा कि वो घोड़े पे चलता था, घुड़सवारी करता था, और उसी पे बैठा हुआ धान की बालियां तोड़ता, मसलता और खा भी लेता हुआ, इतना कमांड था। इसीलिए उससे चलता फिरता भूत कहते थे इसको। और फाइनली इसकी डेथ कब होती है, 1740 में। डेथ के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स है कि डेथ कैसे हुई, भंसाली साहब ने दूसरे तरीके से दिखाया है, लेकिन फिर से बॉलीवुड डायरेक्टर्स की गंदी आदत है, हमारे इश्यू को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। कैंप में मरा ये सही है, कैंप में मरा ये सही बात है, लेकिन वो किसी और वजह से नहीं मरा था, वो एक सडन डेथ थी, डेथ एक मिस्ट्री थी, कैसे हुई नहीं पता, कैसे हुई नहीं पता, बट वो सडन डेथ थी, उन्होंने उसको दिखा दिया अपने तरीके से। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मस्तानी की डेथ भी इनके डेथ के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। वो क्यों हुआ था वो भी एक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी डेथ के बाद उसने सुसाइड कर लिया था, पॉइजन खा लिया था जैसा उन्होंने दिखाया, लेकिन एक्चुअल में क्या है नहीं पता हमें, ठीक है। तो 1740 तक बाजीराव फर्स्ट। अगला आ जाइए, बालाजी बाजीराव ही वॉज ऑल्सो नोन एज नाना साहिब, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड मराठास रीच्ड देयर जेनिथ, अभी कैसे जेनिथ से पहुंचा धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक। In 1749, after the death of Shahu, Raja Ram II, the grandson of Tarabai. was appointed as the next Chhatrapati. However, due to the conspiracy of Tarabai, to control the Maratha power, Peshwa Bajirao, मतलब यही नाना साहिब, established a treaty of Sangola. Treaty of Sangola with Raja Ram II. According to this treaty, नहीं समझ में आया तो बोल लीजिएगा, वैसे ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। According to this treaty, now the whole power was centered around Peshwas.
वॉज सेंटर्ड अराउंड पेशवास। एंड राजा राम वॉज जस्ट अ नॉमिनल छत्रपति, बस नाम का छत्रपति था, सारी पावर जो है अब पेशवाओं के पास आ गई। ये जितने भी लोग काजल लगाए सब छठ वाले हैं ना, काजल कुछ लोग लगाए हैं आज, आप काजल लगाए हो ना, हम लोग छोटे तो हम लोग लगा दिया जाता था। नहीं नहीं दिवाली में तो होता है ये, छठ में भी होता है। चलिए आगे, हमारी दादी हमें जबरदस्ती पकड़ के काजल और सुरमा लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। सुरमा तो आसान होता है, काजल तो पकड़ के चलिए कहां थे हम, 1750 पे थे ना। अगला पॉइंट 1750 ट्रीटी ऑफ संगोला। अगला पॉइंट, इन 1752 अ ट्रीटी वॉज एस्टैब्लिश विद मुगल्स। अब भैया मुगलों की बारी थी, बहुत हो गया छोटे मोटे किंगडम्स, अब मुगलों की बारी। अ ट्रीटी वॉज एस्टैब्लिश विद मुगल्स दैट मराठा विल हेल्प मुगल्स इन देयर मराठा विल हेल्प मुगल्स टू कंट्रोल इंटरनल रिबेल एज वेल एज फॉरेन इन्वेजन। अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी का अटैक 1748 से ही होना शुरू हो चुका था, ठीक है। तो मुगल्स को पता था कि वो खुद, मैंने कहा ना 1737 में जितने भी उसके खास खास सिपह सलार थे सब हार चुके थे मराठों से। तो मुगल्स को पता था कि अब बिना मराठों के हेल्प के हम बादशाह नहीं बने रह सकते, और हम पे इन्वेजन हो रहे थे 1748 से होने शुरू हो गए थे। अब्दाली आता है, लूटता है लाहौर और सिंध को, फिर वापस चला जाता है। तो इन्वेजन होने शुरू हो चुके थे, इसीलिए मजबूरी वश 1752 में मुगल बादशाह जो था वो एक ट्रीटी करता है मराठों से कि भैया हमारे इंटरनल जो रिबेल्स हो रहे हैं और जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं उसमें आप मेरी हेल्प करो। अगला पॉइंट, एंड इन रिटर्न ये तो मुगल्स ने दिया, मतलब ये तो मराठे दे रहे उन्हें, अब मुगल क्या देंगे। एंड इन रिटर्न बाजीराव मतलब पेशवा वॉज मेड गवर्नर ऑफ अजमेर, वॉज मेड गवर्नर ऑफ अजमेर एंड आगरा, अजमेर एंड आगरा। अजमेर एंड आगरा दे वर ऑल्सो गिवन राइट टू कलेक्ट द चौथ फ्रॉम लाहौर सिंध, ये सब एरिया से जहां से चौथ वसूल सकते हो, लाहौर सिंध मुल्तान। अब यही जेनिथ थी मराठों की कि अब मराठे जो एक साउथ इंडिया की पावर थे यहां तक पहुंच चुके थे, राजपूताना भी उनके कंट्रोल में, लाहौर सिंध मतलब साउथ जो नॉर्थ फ्रंटियर रीजन है वो भी इनके कंट्रोल में। और यही टाइम पीरियड था बंगाल पर भी ये अटैक करना शुरू कर दिए थे, अलवर्दी खान तो मैं नवाब ऑफ बंगाल था उस पर भी अटैक करना शुरू कर दिए थे और वो भी उन्हें चौथ देना स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो ये इनकी जैनी थी कि अब भारत पूरे जो हिंदू पदपाशाही या भगवा ध्वज की जो बात हुई थी जिसे बाजीराव फर्स्ट ने शुरुआत किया था, इसका अब वो भगवा पूरे इंडिया में फैल चुका था।
ठीक है, बट यहीं से उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। अगला पॉइंट, हिस्ट्री हमेशा यही सिखाती है कि जो एक बार यहां पहुंचा अब वो यहां नहीं जाएगा, अब वो यहां आएगा। वो कोई भी हो, सबकी जैनिथ आती है, ठीक है, और उसके बाद डाउनफॉल होना लिखा है, वो कोई भी हो रोक नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है हिस्ट्री खुद को रिपीट हमेशा करती है, साइकिल है, वो चेंज होता रहता है। आज हम तो कभी आप, कभी आप तो कभी हम, वो पॉलिटिक्स हो, वो कुछ हो, सब ऐसा होता रहेगा, साइकिल है ये। चलिए अगला, इन 1758 पेशवा सेन रघुनाथ राव रघुनाथ राव टू चेक द एडवांस ऑफ दुर्रानी मतलब अहमद शाह, टू चेक द एडवांस, इसको दुर्रानी भी कहते हैं, एक्चुअली दुर्रानी डायनेस्टी थी ये, तो इसको दुर्रानी मतलब अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, टू चेक द एडवांस ऑफ अब्दाली इन लाहौर पेशावर एंड सिंध, लाहौर पेशावर एंड सिंध, अगला पॉइंट, मुगल एम्परर वॉज नाउ जस्ट अ फिगर हेड, वॉज नाउ अ फिगर हेड, ठीक है। अब भैया, अब दुर्रानी का अटैक हो रहा है तो मुगल्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुगल्स तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं मराठों के, तो अब कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच होगी, मराठों के बीच और अब्दाली के बीच, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था कि क्यों, एक्चुअल में देखा जाए तो वॉर किसके किसके बीच होना चाहिए था, बादशाह तो मुगल्स है ना, तो मुगल्स और अब्दाली के बीच होना चाहिए था, बट इनके बीच नहीं हुआ, क्योंकि ये फिगर हेड हो चुके हैं, बस नाम के हैं, सारा काम किसके पास आ चुका है, मराठों के पास। इसीलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसे डिसाइडिंग बैटल बोला जाता है, वो मराठों के बीच और अब्दाली के बीच होता है। अगला पॉइंट, इससे पहले आप लोग, मैंने एक चीज और लिखवाया था कि 1754 में जब लेटर मुगल ने बता रहा था, तो अगला बादशाह कौन बनेगा यह भी मराठों ने डिसाइड किया था, आलमगीर सेकेंड को अगला बादशाह बनाने में मराठों की भूमिका थी, अहमद शाह को हटाना और आलमगीर, मतलब ये किंग मेकर्स बन चुके थे, इसीलिए फिगर हेड है। चाहो तो लिख लो, वही ऐसे लिखा हुआ होगा लेटर मुगल्स वाले में, लेकिन चाहो तो लिख लो, इन 1754 मराठास हैड ऑलरेडी प्लेड अ मेजर रोल, हैज ऑलरेडी प्लेड अ मेजर रोल इन अपॉइंटिंग द नेक्स्ट बादशाह ऑफ मुगल डायनेस्टी। वही टाइम पीरियड है ना, कि सादत खान को बनाया है, वही टाइम पीरियड है, उसको जोड़ लेना, मैंने लिखवा दिया है वहां पर, चेक कर लेना। इमादुल मुल्क बन रहा है, पहले सादत जंग बना, इमादुल मुल्क हेल्प मांगता मराठों से, भैया आके अगला वो आओ यहां पे, तो वो फिर अपॉइंट करते हैं आके यहां पे, अहमद शाह को हटाया जाता है, बादशाह आलमगीर सेकंड को बनाया जाता है, ठीक है। वो लेटर मुगल्स वाला, उसको देख लेना रिपीट क्या करें, ठीक है। अगला पॉइंट, इन 17, इसको नोट करके लिख लेना चाहो तो, इसी को इस पॉइंट को, अगला पॉइंट, इन 1761 द फाइनल बैटल वॉज फॉट बिटवीन, फाइनल बैटल मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन
अब्दाली एंड मराठास। अब भैया क्वेश्चन आता है कि इस समय मराठा का कमांडर कौन था, ठीक है, तो कमांडर कौन था, पेशवा बाजीराव का बेटा विश्वास राव, बट एक्चुअल पावर जो थी वो सदाशिव राव के पास थी, जो अर्जुन कपूर है अपना। अगला पॉइंट, हाँ रघुनाथ ये से कमांडर है ना। अगला पॉइंट हो गया ना, ऑफिशियल रूलर ने इस ट्रीटी में तय हो चुका था कि भैया तुम नॉमिनल हेड हो, बस सारा पावर अब पेशवा के पास है, इसीलिए देखना कि अब इसका रोल ही खत्म है। जब अंग्रेज आएंगे, जब हम जो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो सारी ट्रीटीज पेशवा के साथ हो रही है, छत्रपति नहीं है कहीं भी, मतलब सारी पावर अब छत्रपति, छत्रपति इज द बॉस ऑफ मराठा एम्पायर, अब सॉरी पेशवा इज द बॉस ऑफ मराठा एम्पायर, छत्रपति का रोल खत्म आफ्टर ट्रीटी ऑफ संगोला, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेना, द कमांडर ऑफ मराठा आर्मी वॉज विश्वास राव, वॉज विश्वास राव हु वॉज द सन ऑफ पेशवा। हाउएवर द एक्चुअल पावर वॉज विद सदाशिव राव। ये पेशवा का छोटा भाई है, मतलब विश्वास राव का चाचा अंकल है उसका, देखियो नहीं हो गया पानीपत, बोलता नहीं है चाचा चाचा, हाँ बस बस बस, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गई बात यहां तक, याद करना विश्वास राव है कमांडर। अब भैया मेन बात है मराठे हारे क्यों, इतनी बड़ी पावर थी तो हारे क्यों, तो उसके बहुत सारे रीजन है, चूंकि प्रीलिम्स की क्लास है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हारने के बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि मराठे जिस हिंदू पद पादशाही या जिस हिंदुइज्म की बात कर रहे थे उसके अंडर सारे किंगडम्स को वो नहीं ला पाए, क्यों नहीं ला पाए, उनकी वही चूंकि एक रॉबर्स स्टेट था तो वो मुस्लिम किंगडम को तो लूटता ही लूटता था, मतलब चौथ लेते थे, वो हिंदुओं से भी चौथ लेते थे, तो भैया क्यों आपका कोई सपोर्ट करेगा, है ना। इसीलिए उस समय जाट, जो जाट किंग जो किंगडम था भरतपुर का, शुरुआत में सूरजमल सपोर्ट कर रहा है लेकिन बाद में वो भी अपना सपोर्ट वापस ले लेता है, राजपूत से उनको उम्मीद थी राजपूत मदद करेंगे लेकिन वो भी मदद नहीं करते, और दूसरी तरफ वॉर किसके किसके बीच में है, अगर देखा जाए रिलीजन को मान के, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म, तो जितने भी इस्लामिक पावर थी वो एक हो चुकी थी, ठीक है। और एक तो रीजन रिलीजन था, प्लस मराठों की बढ़ती पावर से जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो भी अब चिंता में थे कि अगर मराठे रह गए तो ना बचेगा अवध ना बचेगा रुहेला, सब ही अपने अंडर ले लेंगे, इसीलिए रुहेलाओं ने अवध ने सबने सपोर्ट किया था अब्दाली को। तो वही बार बार की कहानी इतिहास दोहराता है, हारे हम हमेशा अपनों की वजह से, ये तो अब्दाली का काम यहां रहना थोड़ी ना था, वो तो लूट के जाता, अगर ये सब सपोर्ट कर देते मराठों को तो कभी मराठे हारते नहीं। और लास्ट जो और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, मराठा के समय वॉर टैक्टिक्स चेंज हो चुकी थी, वो किसके आदि थे लड़ने के, किसके हैबिचुअल थे, गुरिल्ला वॉरफेयर के, लेकिन अब फ्रंटल वॉरफेयर के वो लोग नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने वो भी अहम में आ गए ना, उनको भी होने लगा अरे सबको हरा दिए तो ये क्या टिकेंगे हमारे सामने, अब ये फ्रंटल अटैक करने लगे। और उसके बाद फ्रंटल अटैक में भी पहले इनकी पावर किसमें सेंटर थी, कैवलरी में, जो उनके घोड़े थे, अब ये हाथियों पे युद्ध लड़ रहे थे। तो भैया जिस युद्ध के आप आदि नहीं हो तो उस युद्ध के अब हार आपकी निश्चित है, यही सब रीजन थे। और प्लस इतने और बड़े रुतबे में रहते थे कि महिलाओं को भी अपने साथ ले जाते थे, अरे हम तो जीत ही जाएंगे ना, चलो आप भी नाच गाना बजाना, शाम को दिन में लड़ाई, शाम को चल रहा है इंजॉयमेंट हो रहा है। तो उनके लिए जो एक्चुअल मराठा पावर थी, जिस वजह से उनका राइज हुआ था, मैंने बताया था ना गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स थी, लाइवलीहुड की दिक्कतें थी, इसीलिए मिलिट्री एलिमेंट उनके अंदर आया,
अब लाइवलीहुड की दिक्कतें नहीं थी, मराठा एक पावर बन चुकी थी, पैसा आने लगा था, चुपचाप लोग सरेंडर कर रहे थे, चौथ अपने आप ही दे देते थे। तो भैया हो ही आता है, दिमाग खराब होने टाइम थोड़ी ना लगता है। तो यही सब रीजन से हारने के, ठीक है। फाइनल क्या होता है, हाँ अगला पॉइंट लिख लो, इन दिस बैटल नजीबुद्दौला ब्रैकेट लिख लेना, रुहेला रूलर, रुहेल खंड का जो रूलर है, रुहेला रूलर, रुहेल खंड कहां है, कहां है भैया रुहेल खंड रुहेलखंड, अरे प्रभु उत्तर प्रदेश ही में हो ना, रुहेलखंड ही बता, अब फिर बेइज्जती करनी पड़ेगी थोड़ी। अरे यार ये बरेली का जो रीजन है, अवध के बाद अगला रीजन रुहेलखंड ही पड़ता है। आप जैसे लखीमपुर क्रॉस करेंगे, लखीमपुर वाले सीतापुर ना, तो जैसे लखीमपुर क्रॉस करोगे रुहेलखंड शुरू हो जाता है। लखीमपुर अवध रीजन में ही है। आप जैसे पहुंचे शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, ये सब रुहेलखंड रीजन का पार्ट है। ये तो यार मैप यूपी घसी जानी लो कम से कम इतनी। जो ये रीजन क्या है, ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल इसम कह देते हैं। सदर्न पार्ट क्या है, बुंदेलखंड है, यही कहीं अवध है जो सेंट्रल पार्ट है, यहां कहीं जो ये वाला पार्ट है ये रुहेलखंड पार्ट है, ये वेस्टर्न यूपी है, बघेलखंड, बुंदेलखंड ना, बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट आती है, उसमें आपका महोबा, झांसी, अरे यार अब छोड़ो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं भी, लेकिन इतना याद रखो रुहेलखंड है ये। हाँ ये सब तो नहीं यार, ये सब आना चाहिए, ये तो इतना तो ये बुक्स में नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस है, इतने आप लोग बड़े हो कि यूपी का क्या क्या रीजंस क्या है, मेन रीजन क्या है, तराई और भाभा रीजन कहां आता है यूपी में, श्रावस्ती, बस पूरी बेल्ट आती है, जो पूरी ये लाइन से जो बेल्ट आ रही है सब तराई रीजन है, ये पूरी आपकी पीलीभीत से शुरू होती है, पूरी आपकी श्रावस्ती महाराजगंज तक चली जाती है, नेपाल बॉर्डर वाला, अभी बहुत पढ़ना आप लोगों को। चलिए हाँ, इसके बाद बैटल खत्म, मराठे हारे, अब जो अगला पेशवा बना वो माधवराव फर्स्ट था, बट उसको हम पढ़ेंगे किसके साथ, अब ब्रिटिशर्स के साथ। हाँ जी, अच्छा रुहेला, अच्छा अच्छा रुहेला नजीबुद्दौला एंड नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला सपोर्टेड अब्दाली इन दिस बैटल, सपोर्टेड अब्दाली इन दिस बैटल। अब बेचारा सुजाउद्दौला की स्थिति बहुत बुरी हुई, यहां तो अब्दाली का सपोर्ट कर गया, यहां तो जीत गया, लेकिन बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, यही टाइम पीरियड है। अब देखो हिस्ट्री, अब ब्रिटिश 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, मराठों की ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी थी, वो बेचारे खुद तो हारे हारे बाकियों को भी ले डूबे, हम तो डूबेंगे तो सनम सबको लूट डूबे। रीजन क्या था, बंगाल पर कॉन्टिन्यूस अटैक हो रहे थे, जिस वजह से बंगाल भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने पहुंच गया था, अलीवर्दी खां के टाइम अटैक होने लगे थे, और बाद में जब अगले नवाब बनते हैं तो बेचारे इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो प्लासी में लड़ ही नहीं पाते। बाकी रीजंस थे बहुत सारे, लेकिन एक ये भी रीजन था कि वो सबको ही उनको उन्होंने कमजोर कर दिया था, जिसका फायदा बाद में ब्रिटिशर्स ने उठाया। जब आप देखेंगे मराठा पावर मैसूर के साथ, बेचारे उनसे भी लड़ते रहते हैं, मैसूर हराता है उनको, लेकिन जब ट्रीटी बाद में ब्रिटिशर्स का साथ करते हैं ना मराठे, और बाद में ट्रीटी क्या करते हैं, 1784 की ट्रीटी होती है जिसमें मराठे न्यूट्रल हो गए, मैसूर बस यही मात खा गया, क्योंकि मैसूर को सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं,
इसलिए ब्रिटिशर्स इन्हीं मराठों की वजह से सबको ये लड़े डूबे बेचारे, खुद भी हारे फाइनली ब्रिटिशर्स से और सबको धीरे धीरे इन्हीं वजह से हारते चले गए। सबके हार में इनका कहीं ना कहीं छोटा छोटा रोल था, ठीक है। और फाइनली जब 1818 की ट्रीटी होती है तो बेचारे पेशवा को बिठूर में शिफ्ट कर दिया जाता है पेंशन पे कि तुम अब पेंशनर हो, बैठो यहां पर आराम से। अब भारत के अगला राजा कौन है? इनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया भारत के बादशाह बनने का, मुगल के बाद डायरेक्ट ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है। क्योंकि यही टाइम पीरियड था बैटल ऑफ पानीपत, ब्रिटिशर्स भी आ गए हैं, प्लासी में हरा दिया है, बक्सर में फिराक में हराने के, और मराठे और मुगल आपस में भिड़े हुए हैं। यही है ना हिस्ट्री ऑफ पैरेलल चलने लगी है, ठीक। अब आ जाइए जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ था, विजयनगर डायनेस्टी। मैंने पढ़ाया नहीं है ना विजयनगर डायनेस्टी। एक्चुअल में ये सल्तनत के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि गैप हो गया 1.5 महीने का, फिर मुगल्स पे आ गए तो ये टॉपिक छूट गया, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान के चलना जो भी एग्जाम देगा कोई भी इस साल या दो साल जब भी, इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, वो हर बार मिलेगा। विजयनगर डायनेस्टी लिखिए पहला, कुछ कॉमन पॉइंट लिख लीजिए, कॉमन फीचर्स, उसके बाद हम चार डायनेस्टीज जो हैं उनको एक साथ धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का इन 1336। मेरे गांव का नाम भी पहले मतलब विजयनगर ही था, मैं छोटा था मुझे लगता था अरे कृष्णदेव राय हम ही हरियर एंड बुक्का। फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का इन 1336 विद द ब्लेसिंग्स ऑफ विद्यारण्य, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर गुरु विद्यारण्य, विद्या का आरण्य, आरण्य मतलब जंगल, जंगल वन, ठीक है। अगला पॉइंट, दे फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंग भद्रा रिवर नोन एज विजयनगर, साउथ बैंक ऑफ तुंग भद्रा रिवर, याद नाम ये नाम रिवर का नेम याद रखना, तुंग भद्रा रिवर के बैंक पे है ये विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री। देयर वॉज अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम फॉर द फर्टाइल लैंड ऑफ रायचूर दोआब, फॉर द फर्टाइल लैंड ऑफ रायचूर दोआब, ये रायचूर दोआब यहां कहीं है, बिटवीन, अब ये रायचूर दोआब किसके किसके बीच में, बिटवीन
रिवर कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा एंड गोदावरी ठीक है। तो जो पूरा ये टाइम पीरियड है इन्हीं दोनों किंगडम्स के बीच स्ट्रगल कर रहा, जिसमें फाइनली विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बचे वो भी नहीं, वो आपस ही में बिखर गए। पहले बहमनी बिखरा, बाद में सबने मिलकर विजयनगर को हराया। अगला पॉइंट, अब डायनेस्टीज हैं कुछ, पहले की संगम डायनेस्टी लिख लिया, ऐसे लिखिए फोर डायनेस्टीज, फोर डायनेस्टीज रूल्ड विजयनगर फ्रॉम 1336 टू 1672, फ्रॉम 1336 टू 1672। अब पहली डायनेस्टी है संगम डायनेस्टी, संगम 1672, पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कब? एमबीटी के समय, एमबीटी के समय एमबीटी ने कांपिल पर अटैक किया था, कांपिल पर, जब वो साउथ इंडिया को मर्ज कर रहा था सल्तनत में, उन्हें कांपिल पर अटैक किया। इसी कांपिल में ये दोनों भाई हरिहर और गुप्ता अपनी सर्विस देते थे, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर था हरिहर, ये सर्विस देते थे, कांपिल जो रूलर था, कांपिल स्टेट जो था, वहां जाता और इन दो भाइयों को उठाकर अपने दिल्ली ले जाता है और इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देता, मजबूर कर देता है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। बट होता क्या है, समय का जो चक्र फिर बदला, जब साउथ में रिवॉल्ट होने शुरू हुए तो इन्हीं दोनों भाइयों को फिर से साउथ में भेजा गया। क्यों? क्योंकि ये वहां की ज्योग्राफी से वाकिफ थे, तो रिवॉल्ट को ये आसानी से सप्रेस कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, जब भी दोनों भाई वापस जाते हैं तो यही जो विद्यारण्य थे इनके इन्फ्लुएंस में ये दोनों फिर से हिंदू धर्म को अडॉप्ट करते हैं और एक नया स्टेट इस्टैब्लिश करते हैं जो विजयनगर कहलाया। और इन दोनों के पिता का नाम संगम था तो उनके नाम पर संगम डायनेस्टी। तो पहला पॉइंट तो फिर से रिपीट कर लो, वही इन 1336 हरिहर एंड बुक्का एस्टैब्लिश संगम डायनेस्टी, इन 1336 हरिहर एंड बुक्का बुक्का एस्टैब्लिश संगम डायनेस्टी। अगला पॉइंट, इन 1346 द होयसल डायनेस्टी, होयसल डायनेस्टी वॉस कॉन्क्वर्ड बाय यही हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का अब हरिहर और बुक्का में क्यों बोलो, एक्चुअल में हरिहर और बुक्का शुरुआत में दोनों कंबाइंड रूलर थे, बाद में हरिहर डेथ होता है तो बुक्का इंडिपेंडेंट रूलर बनता है, बट दोनों भाई एक साथ रूल कर रहे थे इसीलिए हरिहर और बुक्का एक साथ नाम आता है। ठीक है, अगला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे एस्टैब्लिश्ड अनेगोंडी, अनेगोंडी, अब भैया साउथ इंडिया है थोड़ा सा फिर से वर्ड आ जाएगा, अनेगोंडी एज देयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे एस्टैब्लिश्ड अनेगोंडी एज देयर कैपिटल विच वॉज लेटर ट्रांसफर्ड टू विजयनगर, मतलब पहली कैपिटल अनेगोंडी है ये याद रखिएगा, विच वॉज लेटर ट्रांसफर्ड टू विजयनगर।
ठीक। अगला रूलर बुक्का, फर्स्ट बुक्का, बुक्का फर्स्ट। टाइम पीरियड लिख लीजिए 1356 टू 1377, 1356 टू 1377 मतलब 36 से लेकर 56 तक हरिहर और बुक्का एक साथ। उसके बाद हरिहर की डेथ होती है, बुक्का इंडिपेंडेंट रूलर बनता है। इन 1377 द सल्तनत ऑफ मदुरई, द सल्तनत ऑफ मदुरई वॉज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर, वॉज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर। अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग हिज टाइम, अगला पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड द कॉन्फ्लिक्ट फॉर रायचूर दोआब वॉज स्टार्टेड बिटवीन बहमनी एंड विजयनगर। भाई जितना लिखवा रहा हूं उतना पढ़ लेना, उससे बाहर विजयनगर नहीं आएगा। वॉज स्टार्टेड बिटवीन बहमनी एंड विजयनगर, बहमनी एंड विजयनगर। बहमनी किंग ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज मोहम्मद शाह, बहमनी किंग ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मतलब क्लियर हो गया ना कि विजयनगर किंग कौन है, बुक्का, बहमनी किंग कौन है, मोहम्मद शाह। He was also known as वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, इन्हीं टाइटल के ऊपर। एक्चुअली इन्हीं लोग के टाइम पीरियड में एक सायण गुरु थे, सायण, उन्होंने ही वेदों को पर टीका या कमेंट्रीज लिखी थी। तो वेदों को फिर से एस्टैब्लिश करने का काम इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। और आज जो हम लोग वेद देखते हैं वो वही सायणाचार की वेद है। एक्चुअल में जो ब्रह्मा जी वाली वेद आज हमारे पास सामने नहीं है, ये सायणाचार की वेद हमारे हमारे सामने है। इसीलिए आप लोग कहते नहीं है, जब मैं वैदिक एज पढ़ा रहा था तो बड़ा क्वेश्चन रहता था, सर मंडल आगे पीछे क्यों हो गए, क्योंकि असेंबलिंग इनकी इस टाइम पीरियड में हुई है मंडल्स की। पहला दूसरा से लेकर सातवां सबसे एंशियंट मंडल माना जाता है, दसवां मंडल सबसे रिसेंट मंडल माना जाता है, इन्हीं रीजन से, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में जो सायण थे, सायण, उन्होंने वेदों को फिर से इस्टैब्लिश किया था या उस पर कॉमेंट्री लिखना शुरू किया था। उनको असेंबलिंग जो हुई थी सब इसी टाइम पीरियड में हुई है, सायणाचार्य, सायण लिख लीजिए, चूंकि आचार रहे तो सायणाचार्य हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का के टाइम में। एक ही और इंपॉर्टेंट, इसका फॉरेन रिलेशन था चाइना से, चाइना से इसने अपने एम्बेसडर चाइना भी भेजे थे। फैक्चुअल चीज है लेकिन लिख लो, कभी पूछ ही ले, क्योंकि चाइना के साथ इसी के, बाकी के इटली एम्बेसडर आ रहे हैं, पोर्चुगीज एम्बेसडर आ रहे हैं, चाइना के इसके टाइम पीरियड में आए हैं, और बाद में महुआन आया बाद में, लेकिन इसके टाइम पीरियड में आए थे चाइनीज एम्बेसडर। फॉरेन ही हैड अ फॉरेन रिलेशन विद चाइना, ऐसे लिख लो बस। अगला हरिहर सेकेंड, अगला किंग हरिहर सेकेंड, हरिहर सेकेंड ही वॉज द फर्स्ट विजयनगर किंग हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ही वॉज द फर्स्ट विजयनगर किंग
हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. He was defeated by Bahmani king Firoz Shah. He was defeated by Bahmani king Firoz Shah. किस लिए? उसी रायचूर दुआ पर कंट्रोल करने की वजह से. कॉन्फ्लिक्ट जो है जहां बहमनी, मैं फिरोज बोलूंगा विजयनगर, तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या होगा? रायचूर दुआ भी होगा. अगला पॉइंट, फिरोज शाह, बहमनी किंग फिरोज शाह. हाउ एवर ड्यूरिंग हिज टाइम इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गोवा वॉज कंट्रोल्ड बाय विजयनगर. इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गोवा वॉज कंट्रोल्ड बाय विजयनगर. अगला, देवराय फर्स्ट. देवराय फर्स्ट देवराय फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट फॉर रायचूर दोआब. कॉन्फ्लिक्ट फॉर रायचूर दोआब continued during his time also. He was defeated by Bahmani king Firoz Shah and later entered in a treaty with him in which he had to marry his daughter with Bahmani king. इसीलिए जो बैटल लड़ा गया ना इन दोनों के बीच में, उसको सोनार की बेटी का भी बैटल नाम दिया गया है. सोनार की बेटी पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन क्या पता आपसे पूछ ले. क्या वो हेरिडिटरी चल रही है? सनी हरियर सेकंड का, क्योंकि मोनार्की में जब हम स्टेट बढ़ेंगे ना, तो जो ट्रांसमिट होती है ना किंगशिप, वो बेटे को ही हो रही है. चलिए अगला पॉइंट, ही वॉज नोन फॉर हिज वेलफेयर प्रोग्राम्स. He made dam on river Tungabhadra. Tungabhadra. Italian traveler gone. Italian traveler Nicholas Conti traveled Vijayanagar during his time. author of book Harvilas, Srinath, comma karke Srinath,
वॉज ऑल्सो रिसाइडिंग वॉस ऑल्सो हरविलास बुक का नाम है, ऑथर का नाम श्रीनाथ. ऑल्सो रिसाइड ड्यूरिंग हिज टाइम. इसने एक मुक्ता सभागार नामक एक प्लेस एस्टैब्लिश कराया था अपने कोर्ट में, मुक्ता सभागार, कि जितने भी बड़े स्कॉलर्स थे उन सबको क्या करता था, ये मुक्त हाथ से दान किया करता था स्कॉलर्स को. तो इसके टाइम पीरियड में इसने लिटरेरी वर्क्स हैं उनको भी प्रमोट किया. मुक्ता सभागार ठीक. अगला देवराय सेकंड, अगला रूलर देवराय सेकंड. ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी. ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी. ही वॉज नोन एज गजबेटकर. गज बेटकर, हाथियों का शिकार करने वाला. टाइटल इसका क्या था, गज बेटकर. द वन हु यूज टू हंट एलिफेंट्स. कहीं कहीं बुक्स में आपको मिल जाएगा इसको इंद्र का अवतार भी कहा जाता था. इंद्र का अवतार. ठीक, अगला पॉइंट. टू स्ट्रेंथन इस आर्मी ही वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर. ही वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर हु इंडक्टेड मुस्लिम आर्चर्स. हु इंडक्टेड मुस्लिम आर्चर्स इन इस आर्मी. ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर हु इंडक्टेड मुस्लिम आर्चर्स. देवराय सेकंड. ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक. अब्दुल रज्जाक, पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर और अपने विजिट में इतना ज्यादा प्रभावित था विजयनगर से, वो इसको दुनिया के जो चार सबसे मशहूर सिटीज थी जिसमें रोम जैसी सिटी भी थी उससे कंपेयर करता है विजयनगर को. ठीक है, जिसमें कौन रोम है बगदाद है उससे कंपेयर करता है विजयनगर को. उसकी प्रॉस्पेरिटी से इतना ज्यादा प्रभावित था वो. ठीक है, बात समझ आ गई. अगला पॉइंट, मल्लिकार्जुन. अगला रूलर मल्लिकार्जुन. ईयर में नहीं लिखवा रहा हूं, जरूरी भी नहीं है. कृष्ण देवराय का टाइम पीरियड जरूरी है वो मैं लिखवा दूंगा. मल्लिकार्जुन चाइनीज ट्रेवलर महुआन. चाइनीज ट्रेवलर महुआन विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड. मल्लिकार्जुन के टाइम पीरियड में जो चाइनीज ट्रेवलर था महुआन, वो विजिट किया विजयनगर. अब भैया विजिट का मतलब ये नहीं था कि शहर सपाटा करने आ रहे हैं,
विजिट का मतलब यह है कि उस समय ट्रेड रिलेशंस इतने मजबूत हो चुके थे विजयनगर के बाकी देशों से, इसलिए लोग विजयनगर आ रहे हैं। इटालियन ट्रेवलर इसलिए आ रहा है, पोर्चुगीज इसलिए बाद में आएंगे, क्योंकि पुर्तगाल उस समय इस्टैब्लिश हो चुका था इंडिया में, ठीक है, वास्को डगामा उगामा आ चुके हैं और ट्रेड शुरू हो चुका है यूरोप के साथ, इसलिए विजयनगर ये लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया जो ट्रेड रिलेशंस किस प्रकार से इस्टैब्लिश हो सके इनसे। अगला पॉइंट, विरूपाक्ष सेकेंड वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। विरूपाक्ष, ये शिव का है नाम, विरूपाक्ष। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो किस धर्म को मानते थे, ठीक है, तो जितने भी अर्लियर विजयनगर रूलर थे सब विरूपाक्ष को मानते थे, ये शिव का एक रूप है, बट बाद के रूलर्स आए वो सब वैष्णवाइट रिलीजन है उसको मानने लगे, कृष्ण के या विष्णु के धर्म को, सेक्ट को मानने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कृष्णदेवराय। शुरुआत में विरूपाक्ष, याद रखना, संगम डायनेस्टी के जितने रूलर थे विरूपाक्ष को मान रहे हैं, लेकिन जब बाद में तुलुक डायनेस्टी आती है कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में, वो सब किसको मान रहे हैं, विष्णु को। अगली डायनेस्टी है, लिख लो, सालुक डायनेस्टी। विरूपाक्ष सेकंड आखिरी रूलर है, और अगली डायनेस्टी को सालुक डायनेस्टी।1485 to 1505, लिखो, नरसिम सालूम। नरसिम सालू इस्टैब्लिश्ड दिस डायनेस्टी। ठीक है, अगला पॉइंट, और जितनी भी डायनेस्टीज बन रही है ना, ये चेंज कैसे हो रही है कि रिवॉल्ट हो जा रहा है, अपसर्ज हो रहे हैं, सब कूप कहते हैं, तो ये अपने से पहले डायनेस्टी को हटा देते हैं, अगला जो बनेगा इनको हटा देगा, तो इस टाइप से चीजें चल रही है, अपने आप नहीं हो रहा है, तो डायनेस्टी इसलिए चेंज हो रही है। नरसिंह अगला पॉइंट, ही मेड, मतलब नरसिंह सालू मेड नरसा नायक, नरसा नायक नरसिंह सालू मेड नरसा नायक द गार्जियन ऑफ हिज माइनर सन, ए मार्डी नरसिंह। लेटर ऑन नरसा नायक कंट्रोल द होल एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑन नरसा नायक कंट्रोल द होल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज सन, नरसा नायक का बेटा एंड हिज सन वीर नरसिंह
established the new dynasty, Veer Narsingh established the new dynasty known as Tuluv dynasty. बात समझ आई? नरसिंह सालू ने सालू डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. उसका बेटा चूंकि छोटा था तो अपने बेटे के गार्जियन किसको अपॉइंट किया? नरसा नायक को. नरसा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम नरसा नायक ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश नहीं करता. इसका बेटा जब होता है वीर नरसिंह, ये नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर देता है, तुलु डायनेस्टी. ठीक. अब ये टाइम पीरियड क्या है? 1505 में तुलु डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती है. ठीक है. फाउंडर कौन है? वीर नरसिंह. समझ में आता है कि लिख लो, फाउंडर वीर नरसिंह. वीर नरसिंह. अब जो अगला रूलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड का. लिखो, कृष्णदेव राय. कब बना राजा? 1509 टू 1529. 1509 तो 1529, 20 साल तक. और यही ना केवल अपनी डायनेस्टी का बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर का सबसे कह लो प्रभावशील, जो सब इन्फ्लुएंशियल जो किंग रूलर रहा, यही रहा. और जब बाबर, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है तो बाबर इसकी ताकत से बहुत ज्यादा प्रभावित था और अपनी बाबर नामा में जो दो हिंदू रूलर्स की बात करता है उसमें एक यही था, कृष्णदेव राय, और दूसरा राणा सांगा. बाकी सात की बात चर्चा करता है वो. पांच मुस्लिम थे, दो ये थे. याद रखना, दो इसमें ये ही था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के टाइम. अगला पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड विजयनगर establish their control over Raichur Doab. Vijayanagar establish control over Raichur Doab. He defeated the ruler of Bijapur. ठीक है. अगला पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो टाइटल्ड एज यवन राज स्थापनाचार्य. यवन राज स्थापनाचार्य. यवन राज स्थापनाचार्य, इसका मतलब यह था कि इसी के टाइम पीरियड में बहमनी जो किंगडम था वो पांच छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था. तो जो एक्चुअल बहमनी रूलर था उसको अब बहमनी जो था वो बीदर में कन्वर्ट हो गया. तो जो एक्चुअल बहमनी किंग था उसको फिर से राजगद्दी प्रदान करने में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए इसका टाइटल हो गया यवन राज. मैंने कहा जितने ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं सबको यवन कहा गया है, वो कोई भी तो उनकी नजरें मुस्लिम फॉरेनर इन्वेडर थे, इसलिए यवन राज स्थापनाचार्य. यवन राज को स्थापित करने वाला व्यक्ति था ये. अगला पॉइंट, ही मेंटेन्ड द फ्रेंडली रिलेशन विद
पोर्चुगीज, पोर्चुगीज क्यों? रीजन वॉज कि ये एक वॉर स्टेट था। वॉर स्टेट इस सेंस में कि जो विजयनगर है ये छोटे छोटे जो ये किंगडम बाद पहले बहमनी और बाद में कौन से जो छोटे छोटे पांच किंगडम्स बने इनके साथ कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट इसकी होती रहती थी रायचूर द्वाब के रीजन से, जिस वजह से आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको घोड़ों या हॉर्सेस की जरूरत थी और पोर्चुगीज थे इनको हॉर्स प्रोवाइड करते थे, इसीलिए उसने इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश किया था घोड़ों की वजह से। हॉर्स का ट्रेड होता था ये तो पता है ना, ज्योग्राफी में कौन सा रीजन को हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं? नहीं नाम सुन, सेंट्रल एशिया, वो लैटिट्यूड बताओ। बड़ी समस्या है, तुम तो ज्योग्राफी वाले हो ना, तो भूल जाते। अरे पढ़े तो प्रभु, तो ऐसे क्यों कर हम कहा सर। बेसिकली हॉर्स ट्रेड का मतलब ये था कि जब यूरोप उस समय ट्रेड होता था तो एक प्लेनेटरी विंड्स तो नाम सुना होगा, सनमार्गी पवने ट्रेड विंड्स जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, तो चूंकि एक दिशा में चलने के कारण बहुत शांत जो रीजन होता था बहुत शांत है, इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर वाला जो रीजन था, इस वजह से जब हॉर्स का ट्रेड होता था तो भारी हो जाती थी शिप, तो हॉर्स का ट्रेड तो हो नहीं पाता था, इस वजह से घोड़ों को नदी में फेंक दिया जाता था भार को कम करने के लिए, इसीलिए उस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड ही नाम दे दिया गया। अरे पढ़ लेना ज्योग्राफी में, चलो चलो इसमें आ जाओ, चलो अगला पॉइंट लिख लो। पोर्चुगीज के साथ था रिलेशन, अच्छा अगला पॉइंट, एट एमिनेंट ल्यूमिनरीज इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, एट एमिनेंट ल्यूमिनरीज इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। अरे ल्यूमिनरीज का मतलब, अरे यार ल्यूमिनरीज, चलो एट एमिनेंट ल्यूमिनरीज इन फील्ड ऑफ लिटरेचर इन फील्ड ऑफ लिटरेचर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट वॉज ऑल्सो लिख लो या ऑल्सो हटा दो, वॉज प्रेजेंट इन हिज कोर्ट, दे वर नोन एज अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, दे वर ऑल्सो नोन एज अष्टदिग्गज। अगला पॉइंट लिख लो इसी में, अल्लाह सनी पेडाना या केवल पेडाना लिख लो, पेडाना पेडाना हु वॉज नोन एज, फुल स्टॉप के बाद लिखना है, पेडाना हु वॉज नोन एज आंध्र कवि पितामह, आंध्र कवि पितामह, एच लिखिए ना भाई, वॉस द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स
इन हिज अष्ट दिग्गज, इसी की बुक का नाम था मनुचरितम, लिख लो मनुचरितम। मनुचरितम अगला पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट फिगर वॉज तेनालीराम। तेनालीराम तेनालीराम। अब कल से ऐसा करेंगे ना, मैं आज पढ़ा दूंगा जितना पढ़ाना होगा, आप लोग में से मैं एक व्यक्ति को बोल दूंगा 5 मिनट प्रीवियस क्लास को कॉन्क्लूड कर दो, उसके जिस्ट बता दो बस, यहां खड़े होके कर पाओगे? मैं बोल मैं किसी को भी दूंगा, ये मत सोचना कि मैं एक्स वाई जेड, आप में से किसी को भी मैं किसी को बोल दूंगा कल आके कि विजयनगर को बस 5 मिनट में खत्म कर दूं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आते हैं, ठीक है? रीजन इसका क्या है, तो ये मत सोचना मैं पनिश कर रहा हूं। पहली बार रीजन इसका ये होगा, थोड़ा सा यहां खड़े होने की आदत में आ जाएगा, वहां से बोलना आसान हो जाता है, यहां से बोलना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है? तो समझ लेना अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स भी ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों की आवाज जैसे ये है, महानुभाव शरीर तबड़ा लेकिन बोलते मुझे सुनाई नहीं देता यहां तक, तो कम से कम तेज बोलो। हाँ तेज तेज बोलने की आदत होनी चाहिए, लाउड वॉइस इस सेंस में भी होता है ना, आपको इनके लिए नहीं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस भी उससे दिखता है आपका। तो इसलिए कल से कोई भी एक व्यक्ति भागना मत, इसीलिए किसी भी एक व्यक्ति को मैं यहां से बोल दूंगा 5 मिनट में बोल देगा, ठीक है? अगला पॉइंट आ जाइए, तैयार हो ना? दिक्कत तो नहीं कोई? चलो टाइम हो गया वैसे। अगला, ही वॉज कॉमनली नोन एज, क्या हुआ? ही वॉज कॉम, मैंने कहा आज ही बोलना तुम्हें, मैंने कहा आदम को लगा आज ही बोलने का मन कर रहा है। ही वॉज कॉमनली नोन एज अभिनव भोज, इंपॉर्टेंट है। ही वॉज कॉमनली नोन एज अभिनव भोज। भोज भैया कहा, राजा भोज वाला? हां जी, अभिनव भोज, नव अभिनव मतलब नया भोज। हां जी फिर देखो, नहीं सुनाई दिया? तेनाली राम क्या बोला जाता था? नहीं, कृष्णदेव राय को बोला जाता था। ही मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो ये मैं जिसका हेडिंग डलवाया ना उसके बारे में बोल रहा हूं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अभिनव भोज। अभिनव भोज या आंध्र भोज? आंध्र भोज, आंध्र रीजन में था तो आंध्र भोज। आंध्र की शुरुआत पहले से हो रही है ना, मॉडर्न टाइम पीरियड में भी सातवाहनास को भी आंध्र भ्रत्य बोला गया है, जो सदन पार्ट वाले को आंध्र ही बोला जाता था। आंध्र भोज का मतलब नहीं समझे? अरे भोज, अरे ये भोज राजा भोज, मैंने आपको जब इस बार पढ़ाया है राजा भोज के बारे में, मुझे ऐसा याद आ रहा है, परमार भोज थे ये, परमार डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था भोज, जो कहा राजा भोज वाला बोलते हैं, उसी के लिए कहा गया है। वो उसके टाइम पीरियड में बहुत बड़ा लॉरियट था, वो लिटरेचर को उसने पैटर्न दिया था उससे भोज, इसीलिए वजह से भोज कहा जाता है। भोजपुर आज जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उसमें जो अवार्ड दिया जाता है ना, जो है वो उसी भोज के ही नाम पर है, मतलब भोज के ही कह सकते हो जो भी है उसी के, उसी को किया गया है, तो वो है भोज, परमार भोज के नाम पर उसको भोज कहा जाता था, भोजन नहीं। अरे ये तो मुझे लगा था पता होगा, तभी मैंने नहीं बताया। चलो दो भोज हैं हिस्ट्री में, एक मिहिर भोज, ये किस डायनेस्टी का है?
परमार, जब मैं बोल रहा हूं परमार तो ये है, तो मैं मीर भोज के बारे पूछ रहा हूं। हाँ, गुर्जर प्रतिहार, एक मिहिर भोज उनके टाइम पीरियड में है, गुर्जर जो आजकल खूब चल, अरे आजकल तो आपके न्यूज में रहता है ना, कुछ बताते हैं राजपूत है, कुछ बताते हैं गुर्जर है, इसीलिए बेचारों पे लड़ाई चल रही गुर्जरों और राजपूतों के बीच में। और एक है परमार भोज, जो आपका भोजपुर रीजन है, भोपाल वाला, भोजपुर लेक भी वहां पे है, उसने वो स्टैब्लिश की थी, और थी बहुत सारी बुक्स है परमार भोज की, ठीक है। इसीलिए जब मैंने अखबार मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक वर्ड बोला था, अब कुछ याद नहीं है, पहली बात है, छोड़ो यार ये खत्म हो जाए, अब छोड़ो छोड़ो फिर रह जाएगा। अभिनव भोज और आंध्र भोज, आगे आ जाए अगला पॉइंट। हीरो, हीरो मतलब कृष्णदेव राय, हीरो अ फेमस बुक इन तेलुगु लैंग्वेज नोन एज जाम्बवती। बोले सही हो, जाम्बवती है, उषा परिणय भी है, लेकिन जो इसने इसकी बुक है अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद, और जितने भी लॉरिएट थे ना आठों, ये सब तेलुगु लिटरेचर के हैं, ये याद रखना, अमुक्त माल्यद। और ये बुक किस पे बेस्ड थी? एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्लास की टाइमिंग क्या स्टार्ट हो गई? ही बिल्ट हजारा टेम्पल। अब ही मतलब ये मत सोचना वो खुद लेके चला गया हथौड़ी और वो, ही बिल्ट मतलब उसके टाइम में बिल्ट हुआ। ही बिल्ट हजारा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल। ये कौन है विट्ठल? विष्णु जी। और इसने एक सिटी भी स्टैब्लिश की थी नगलापुर नाम से, नगलापुर, इसकी मां का नाम नगला देवी था तो नगलापुर। थोड़ा रह गया है, या तो मैं कभी ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, जहां पे कल होगा तो पॉसिबल तो कल पढ़ा देंगे, क्योंकि अब आज लास्ट क्लास थी ना, अब कल से मॉडर्न हिस्ट्री होगी जो भी पढ़ा। Thank you.
Yeah.